वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम रितु एंड यू आर वाचिंग रितु हांडा। तो कैसे हो आप सब? तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो गाइस, मेरे थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो गाइस, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्टेड आ रही थी कि आप आफ्टर वॉश रिव्यू शेयर करो। जो भी आप कुर्तीज बाय करते हो, अगर आपने इसको वॉश किया हुआ है तो उनका रिव्यू हमारे साथ शेयर करो, ताकि हम जान सके कि मीशो से जो कुर्तियाँ इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल होती है, उसके साथ उनकी क्वालिटी कैसी होती है। तो गाइस, ज़्यादातर मैं कुर्तीज सेल कर देती हूँ, पर जो मैं अपने पास रखी है और काफ़ी टाइम मैं उसको यूज़ कर चुकी हूँ, आज उसका ही रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ कमेंट में मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है वो भी मुझसे ज़रूर शेयर करा करो। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपके आंसर भी ज़रूर देती हूँ, मैं हर एक कमेंट का आंसर कर देती हूँ, अगर नहीं तो उनको लाइक ज़रूर करती हूँ। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो गाइस, आपको मेरे चैनल से प्लस साइज के लिए बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन मिलने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखते हैं पहली कुर्ती कौन सी है जिनको मैंने डाला भी हुआ है और उसके बाद वॉश भी किया हुआ है, और आफ्टर वॉश उसका क्या रिव्यू मेरे सामने आया है। ये जो सूट है, जो सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मेरा एक दुपट्टा सूट है। तो गाइस, ये ना मुझे वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद आया था फोटो पे। तो जब मैंने ये बाय किया ना, तो गाइस जब ये आया ना, जैसा मैंने वहाँ पर देखा था सेम टू सेम मुझे वैसा ही ये पीस रिसीव हुआ था। तो ये मुझे इतना पसंद आया, इसका कलर मुझे इतना पसंद आया, ये मैंने ना अपने लिए रख लिया था। तो गाइस, मैंने इसको डाल भी रखा है और इसको वॉश भी कर रखा है। इसको 2-3 बार मैं वॉश कर चुकी हूँ, लेकिन इसका गाइस फैब्रिक बहुत अच्छा निकला है, बहुत अच्छा। जैसा फैब्रिक था वैसा ही फैब्रिक है इसका। तो गाइस, ये कॉटन का सूट है। तो गाइस, इसकी जो स्टिचिंग थी ना, ये वो भी बहुत अच्छी थी, और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। मतलब बहुत ही लाइट वेट सा फैब्रिक है, आप इसको समर में यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, इसके साथ प्लाजो है, और प्लाजो पैंट भी काफ़ी अच्छी है, और प्लाजो पैंट की फिटिंग भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन आफ्टर वॉश मैं इसको 2-3 बार वॉश कर चुकी हूँ, लेकिन इसका जो कलर है ना, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, इसका फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ। तो कोई भी ये श्रिंक नहीं हुआ, कहीं से इसका फैब्रिक खराब नहीं हुआ। तो गाइस, ये बहुत प्यारा सूट है। तो इसके साथ जो इसका दुपट्टा था, इसका दुपट्टा देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि मेरी हाइट है थोड़ी सी 5'9". तो गाइस, मुझे दुपट्टे चाहिए होते 2.5 मीटर के, और इसका दुपट्टा बहुत अच्छा था। इसकी लेंथ बहुत अच्छी है दुपट्टे की, और इस टाइप का इसका टिश्यू का ऑर्गेंजा का दुपट्टा है। तो गाइस, दुपट्टे का फैब्रिक भी वैसे का वैसा रहा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो बहुत अच्छे फैब्रिक में है ये दुपट्टा। तो गाइस, ये एग्जैक्ट जो येलो वाला कलर होता है ना, जो मुझे पसंद है ना येलो वाला कलर, जो हल्दी का कलर होता है ना, वो मुझे एक्चुअली ये वो कलर है। कैमरे में आपको बता नहीं कैसा दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली हल्दी वाला कलर है, और ये कलर मुझे बहुत पसंद आया। जैसा ये पिक में है ना, वैसा सेम टू सेम मुझे कलर रिसीव होता है। इसमें और भी कलर थे। तो गाइस, इसकी भी मैं इसका लिंक भी, इसका कोड शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। तो गाइस, इसका प्लाजो है इस टाइप का, और प्लाजो का मतलब इसके चारों दोनों और इलास्टिक है। होता है ना कि कई बार एक और बेल्ट होती है, एक और इलास्टिक होता है, लेकिन इसके दोनों और इलास्टिक है। तो गाइस, इस टाइप का इसका प्लाजो है, और प्लाजो के साइड पे एक पॉकेट भी दी गई है। अगर आप इसको बाय कर रहे हो ना, एक प्लस साइज में बाय करना। अगर आप 4XL के हो तो 5XL बाय करना, मतलब एक प्लस साइज बाय करना। वैसे भी आपको मैं बताती रहती हूँ कि अगर आप कुर्ता सेट बाय करते हो, आप कुछ ऐसा बाय करते हो जिसके साथ प्लाजो भी होता है, तो आप एक साइज प्लस ही बाय किया करो, क्योंकि प्लाजो कई बार होता है टाइट आ जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप कुर्ती को तो थोड़ा सा ऑल्टर करवा सकते हो, लेकिन प्लाजो का कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप प्लाजो वाली कोई भी चीज़ बाय करो ना, अपना जो साइज़ है, अगर आप XL साइज के हो तो 2XL बाय किया करो। तो गाइस, ये था मेरा फर्स्ट कुर्ता जो मैंने बाय किया था मीशो से, फैब्रिक काफ़ी अच्छा निकला है। और उसके बाद सेकंड, तो गाइस ये जो कुर्ता सेट है ना, मैं आपको सच में बताऊं, जब मैंने इसकी वीडियो डाली थी ना गाइस, अभी तक इसकी वीडियो आई थिंक मैंने 4 महीने पहले डाली थी, तो अभी तक मुझे इसके कमेंट आते हैं कि मैम ये कुर्ता सेट कहाँ से मिलेगा। तो गाइस, ये इतना ब्यूटीफुल लगता है, इतना कूल सा कुर्ता सेट है ना, और मैं इसको काफ़ी बार डाल चुकी हूँ, और काफ़ी बार इसको मैं वॉश भी कर चुकी हूँ गाइस इसका, बट फैब्रिक बिल्कुल भी
खराब नहीं हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉटन है, रायोन कॉटन है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉटन है और बहुत अच्छी लुक देता है। और साइड पे मेरी लुक चल रही है, आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल लुक लगती है। और गाइस इसका मैंने शॉल डाला था, उसके कारण मुझे इतने मैसेज आते हैं ना कि मैम आपने ये कुर्ता कैसे कहाँ से लिया, ये हमने बाय करना है। तो इसका लिंक तो मैं हमेशा देती रहती हूँ किसी ना किसी को। तो गाइस ये काफी एक तो मतलब एक बहुत स्टाइलिश कुर्ता है, तो काफी प्यारा कुर्ता आप देख सकते हो। और फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है, कोई भी श्रिंक नहीं हुआ है, कोई भी ये फेड नहीं हुआ, जैसा फैब्रिक मुझे मिला था वैसे का वैसा ही फैब्रिक है। मैं इसको काफी बार वॉश कर चुकी हूँ, ये इस टाइप का कुर्ता है। इसका जो कोड है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी, आप वहां जाकर अगर बाय करना चाहो तो कर सकते हो, मेरी ओर से हाईली रिकमेंडेड है। तो गाइस ये इस टाइप का कुर्ता है और इस पे यहाँ पर चुनट है, तो यहाँ पर आगे कढ़ाई वर्क है और कढ़ाई वर्क भी काफी अच्छा है, स्टिचिंग इसकी काफी स्टाइलिश है, काफी अच्छी है। इस तरह से इसकी स्लीव्स हैं और इस तरह से इसका घेरा है। तो गाइस काफी कंफर्टेबल है और समर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। गाइस मैं आपको बता दूं जो भी प्राइस है ना, क्योंकि काफी टाइम हो गए मुझे इसको बाय किए हुए, तो जो भी प्राइस है वहां से देखकर मैं अपनी स्क्रीन पे लगा दूंगी और आप देख लेना। तो प्राइस यार मुझे याद नहीं है, तो प्राइस जो जो जिस जिस प्रोडक्ट के हैं वो स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप स्क्रीन पे देखते जाना। तो इसके साथ ये प्लाजो भी है और गाइस ये एकदम आप परफेक्ट साइज में ही बाय करना। अगर आप एक्सल के हो तो एक्सल बाय करना, अगर आप 2XL के हो तो 2XL बाय करना, अगर आप 4XL के हो तो 4XL ही बाय करना, क्योंकि इसका साइज एकदम प्रॉपर है। तो गाइस ये है इसका प्लाजो, प्लाजो पर इस टाइप का पेंट वर्क है और पेंट वर्क भी गाइस बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, और उसका प्लाजो भी बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ, बहुत अच्छी फिटिंग है, प्लाजो की भी बहुत अच्छी फिटिंग है। मैंने इसको 4XL में ही बाय किया था और फिर 4XL में ही इतनी अच्छी फिटिंग मुझे इसकी मिली, बहुत प्यारी फिटिंग है और इस टाइप का प्लाजो है। तो इसके दोनों ओर इलास्टिक है और काफी कंफर्टेबल है और मेरी ओर से हाईली रिकमेंडेड है गाइस, अगर आप बाय करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो गाइस उसके बाद मैंने ये कुर्ती बाय की थी, इसको भी मैंने काफी बार वॉश कर लिया है। गाइस इसकी इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, कैमरिक का कॉटन का फैब्रिक है, फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है, कढ़ाई वर्क इसका बहुत अच्छा है, इसको मैं काफी बार यूज कर चुकी हूँ, मार्केट जाते टाइम मैंने काफी बार इसको पहना है। तो गाइस एक तो इसका कलर बिल्कुल भी नहीं खराब हुआ, जैसा कलर मेरे पास आया था वैसा सेम टू सेम ये कलर है, इसका कढ़ाई वर्क भी वैसा है, बिल्कुल भी ये कुर्ती श्रिंक नहीं हुई है। बट गाइस इतने रीजनेबल प्राइस में इतना अच्छा जब मटेरियल मिलता है ना, सच में बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो गाइस ये है मेरी ये कुर्ती और इसका कढ़ाई वर्क है इस टाइप का और बांधनी प्रिंट है, और बांधनी प्रिंट पता है आपको कितना अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस इसका कलर बहुत अच्छा है, इसमें और भी कलर ऑप्शन है, मैं कोड इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी, आप वहां जाकर चेक कर लेना, और भी कोड मेंशन है। तो गाइस ये कुर्ती भी मैंने काफी टाइम वॉश कर चुकी हूँ, लेकिन इसका फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं खराब हुआ, बहुत अच्छी वैरायटी की कॉटन है और समर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बहुत अच्छी कॉटन है। तो इस टाइप की है ये कुर्ती और इसकी स्लीव्स पर इस टाइप की लेस लगी हुई है, और गाइस बहुत प्यारा कलर है, बहुत अच्छा फैब्रिक है, बिल्कुल भी फैब्रिक खराब नहीं हुआ है। और ये है मेरी थर्ड कुर्ती और इसकी भी पिक साथ साथ मैंने लगा दी, आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, काफी टाइम मैंने इसको वॉश किया, फैब्रिक बिल्कुल ही नहीं खराब हुआ है। आप इसको बाय करना चाहो तो कर सकते हो, तो कोड इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, प्राइस इसका स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हो। तो गाइस ये थी मेरी थर्ड कुर्ती, उसके बाद गाइस ये जो मैंने बाय किया ना, आई थिंक अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आप देख सकते हो राखी वाली लुक पे, अपनी राखी पे मैंने ये डाला हुआ था, क्योंकि आपको पता है राखी पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है और कुछ ऐसा चाहिए होता है जो आपको बहुत कूल रखे फुल डे, क्योंकि आपको फुल डे ये फेस्टिवल है ना, फुल डे होता है मतलब आपको अपने मायके जाना होता है, फुल डे वहीं पे रहना होता है, और आपको कुछ ऐसा इजी बिजी सा चाहिए होता है जिसको डालकर आप फुल डे स्पेंड कर सको। तो गाइस ये मैंने वेयर किया था और मुझे काफी अच्छा लगा था, और गाइस आप देख सकते हो जैसा मैंने बाय किया था सेम टू सेम अभी तक ये वैसा ही है, मैंने इसको काफी बार वॉश कर लिया है और इसका फैब्रिक बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, और ये मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद है, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये कुर्ती, इसका कलर बहुत अच्छा है, कलर बिल्कुल खराब नहीं हुआ है और एम्ब्रॉयडरी वर्क बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। तो गाइस बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ है, मतलब फैब्रिक बहुत अच्छा है और ये समर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है और 6XL तक वहां पर अवेलेबल है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो गाइस आप कर सकते हो, काफी अच्छी स्टाइलिश सी लुक देता है आपको। तो गाइस ये है और इसका कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हो, बाय कर सकते हो, काफी अच्छा इसका फैब्रिक है और आप देख सकते हो इस टाइप की इसकी स्टिचिंग है, यहाँ पर चोली वर्क है और उसके बाद यहाँ पर चुनट दिए गए हैं, तो इसके गाइस इसके घेरे पर भी इस तरह की लेस वर्क है, सारा गोटा पट्टी की लेस वर्क है और इसके साइड्स पर भी इस टाइप की लेस दी गई है,
और काफी ब्यूटीफुल सा ये पीस है और काफी डिजाइनर सी लुक देता है। तो गाइस समर्स के लिए बेस्ट है, बहुत ही कूल है, बहुत ही फ्रेश सी लुक देता है। तो गाइस ये थी मेरी कुर्ती। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो मैंने मीशो से बाय कर रखी है, ऐसा बहुत इतने अफोर्डेबल प्राइस में हमें चीजें मीशो से मिल जाती है ना, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार सच में ये मीशो की है। तो वैसे तो मुझे काफ़ी चीज़ें हैं जो मीशो से बहुत पसंद आई हैं। तो गाइस ये है मेरी कुर्ती, थोड़ा सा इग्नोर करना, इसको प्रेस नहीं किया होगा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं इसको पहना था लेकिन उसके बाद इसको प्रेस नहीं किया। तो गाइस इसको मैंने वैसे ही उठा लिया, लेकिन ये मुझे बहुत प्यारी लगती है और आप कलर देख सकते हो कि कलर कितना अच्छा है, समर्स में ये कलर कितना अच्छा लगता है। तो गाइस ये कुर्ती भी मैंने मीशो से बाय की थी, और जैसी मैंने बाय की थी, आप देख सकते हो जैसी मैंने बाय की थी वैसी ही अभी तक मेरे पास है। काफी बार मैं इसको वॉश कर चुकी हूँ, मार्केट जाते टाइम वेयर कर चुकी हूँ, बट इसका फैब्रिक बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ, बहुत अच्छी क्वालिटी की ये कैमरिक कॉटन है, तो डिजाइन भी बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हो गाइस इस टाइप की इसकी स्लीव्स है और काफी सॉफ्ट सा ये, मतलब आपको जैसा समर्स में चाहिए होता है ना जैसा कपड़ा, मतलब एकदम सॉफ्ट कंफर्टेबल, मतलब वैसा ही है, सेम सॉफ्ट कंफर्टेबल। और कलर इसका बहुत अच्छा है, समर्स में बहुत कूल लगता है। तो गाइस डिजाइन भी इसका बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छी सी लुक देता है। तो गाइस ये है मेरी कुर्ती जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई हुई है। अगर आप बाय करना चाहो तो आप कर सकते हो, इसका कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ये भी मेरी ओर से हाईली रिकमेंडेड है। आप कहोगे कि हर चीज पे हाईली रिकमेंडेड। गाइस एक्चुअली जो चीजें मुझे पसंद आती है ना, तो मुझे होता है ये चीजें आप भी बाय करो, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद पे यूज कर रखी है, ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुई, तो ये तो आपको जरूर बाय करनी चाहिए। तो बहुत प्यारी कुर्ती है, बहुत सिंपल सी कुर्ती है, आप इसको अपने ऑफिस वेयर में, आप इसको मार्केट जाते टाइम, आप कहीं मंदिर जा रहे हो, आप किसी के घर जा रहे हो, आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो। बहुत कूल है, बहुत फ्रेश से लुक देती है। तो ये है मेरी कुर्ती। उसके बाद है मेरी ये चिकन की कुर्तीस। गाइस ये मैंने निखार के लिए, मैं पहले भी मैं वीडियो में दिखा चुकी हूँ, तो गाइस ये मैंने निखार के लिए ऑर्डर की थी, अपनी बेटी के लिए ऑर्डर की थी। तो ये गाइस ये है इस टाइप की चिकन की कुर्ती, इसको ओनली मैंने 300 के अंडर ही बाय किया था। तो गाइस ये है कुर्ती जो कि मुझे काफी पसंद आई है, और इसको मैं काफी बार वॉश कर चुकी हूँ, और जब भी आप वॉश करते हो ना ये न्यू लगती है, ये न्यू लगती है। गाइस फैब्रिक इनका बहुत अच्छा है, लुक इसकी बहुत अच्छी आती है। तो ये है ऐसी इस टाइप की कुर्ती, इसके स्लीव्स पर भी इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी है, और कलर इसका बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेश है, जॉर्जेट की कुर्ती है। इसके सिर्फ मतलब इतने इतने एरिए पे लाइनिंग लगी हुई है, कपड़ा लगा हुआ है, लेकिन इसके नीचे कोई भी लाइनिंग नहीं लगी हुई। तो गाइस ये है मेरा ये कुर्ती जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी है, निखार को भी ये बहुत पसंद आई थी। और उसके बाद है जो कुर्ती, वो है इस टाइप की पिंक कलर की कुर्ती, ये भी मैंने निखार के लिए बाय की थी, और जॉर्जेट की कुर्ती है, काफी अच्छा फैब्रिक है और काफी मुझे अच्छी लगी है। तो गाइस इसका अभी मैंने वॉश कर रखा है, वॉश करने के बाद इसका कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खराब हुआ है, इसकी कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं खराब हुई है, जैसा मैंने वहां पर देखा था वैसा सेम टू सेम अभी तक ये है, और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। ये जो दोनों कुर्तीज है ना, अगर आप अपनी बेटी के लिए यूज करना चाहते हैं, ये 3XL में वहां पर अवेलेबल है, अगर आप 3XL तक के साइज के हो तो वहां से बाय कर सकते हो, काफी अच्छा फैब्रिक है, बिल्कुल भी खराब होने वाला फैब्रिक नहीं है। अगर आप अपनी बेटी के लिए बाय करना चाहते हो कर सकते हो, अगर आप किसको गिफ्ट के लिए बाय करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, कोई भी कंप्लेन नहीं है इसकी। तो ये है हमारी चिकनकारी कुर्तीज। और उसके बाद जो मैंने कुर्ती बाय की थी एक, तो गाइस ये कुर्ती मैंने बाय की थी, तो ये रायन की कुर्ती है। तो गाइस इसका जो हल्का गोल्डन कलर ना पहले थोड़ा सा नजर आता था, लेकिन इसको वॉश करने के बाद आफ्टर वॉश इसका जो गोल्डन कलर है वो बहुत ज्यादा हल्का हो गया है। तो आप देख सकते हो, तो काफी हल्का हो गया है गाइस, इसका जो गोल्डन कलर है ना वो काफी हल्का हो गया, बस इसका यही मुझे थोड़ा सा रहा, और फैब्रिक बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, फैब्रिक जैसा है वैसा है, कोई भी श्रिंक नहीं हुआ है। इसका प्राइस भी मेरी स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख सकते हो, और इसकी लुक भी चल रही है। तो गाइस इसका फैब्रिक भी रायन का फैब्रिक है, कॉटन की कुर्ती है, लेकिन इसका थोड़ा सा ये जो पेंट वर्क है ना थोड़ा सा हल्का पड़ गया है बस, और इसमें कोई भी कुछ मतलब इसका श्रिंक नहीं हुआ है, कोई कुछ हुआ नहीं है इसको। तो ये है कुर्ती, इसका भी यही है कि अगर आप बाय कर रहे हो तो 1+ साइज में बाय करना, अगर एक्सेल साइज के हो तो 2XL में बाय करना, अगर 3XL है कि 3XL के हो तो 4XL में बाय करना, एक साइज अगर प्लस बाय करोगे ना तो ये काफी अच्छी लुक आपको देगी। तो ये है मेरी कुर्ती। और उसके बाद जो मैंने एक कुर्ती बाय की थी, ये ब्लैक कलर की कुर्ती है, और गाइस इसका नाम पता है क्या है, मैं आपको बता देती हूँ,
इसका भी आपको एक साइज प्लस ही बाय करना पड़ेगा। इसको मैंने रिटर्न डाली थी और उसके बाद मैंने पहले 4XL में बाय की थी, लेकिन जब ये आई ना इसकी फिटिंग मुझे थोड़ी सी टाइट आ रही थी, तो उसके बाद मैंने फिर रिटर्न किया, फिर मैंने इसको 5XL में बाय किया। तो गाइस जब मैंने 5XL में इसको बाय किया तो इसकी प्रॉपर फिटिंग आई थी। तो गाइस इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा, इसका फैब्रिक इसका बहुत अच्छा निकला है। मतलब जैसी मेरे पास आई थी वैसी की वैसी है। मैं इसको काफ़ी वॉश कर चुकी हूँ लेकिन इसकी लुक बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है, फैब्रिक बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ है। अभी तक जैसा था वैसा का वैसा ही अभी तक है। तो आप देख सकते हो गाइस, बस इसका यही है कि आप इसको एक साइज प्लस में बाय करना। आप देख सकते हो इसका प्राइस क्या है, वो भी स्क्रीन पे मेंशन है। और इसके आगे जो है ना, ये भी एम्ब्रॉयडरी का वर्क नहीं है, यहाँ पर एक फैब्रिक ही लगा हुआ है, लेकिन ये काफी अच्छी लुक देता है। तो आपको पता है वैसे भी ब्लैक कुर्ती है ना, ब्लैक कुर्ती वैसे भी बहुत अच्छी लुक देती है और समर्स के लिए बहुत अच्छा फैब्रिक है। कॉटन का फैब्रिक है, जैसे खादी कॉटन होती है ना उस टाइप का फैब्रिक है, लेकिन खादी कॉटन नहीं है, खादी कॉटन टाइप का फैब्रिक है। तो इस टाइप की इसकी स्लीव्स है, निकला है, कोई भी श्रिंक नहीं हुआ है, कोई भी इसको कुछ हुआ नहीं है। तो गाइस ये है मेरी मीशो की परचेज, काफी अच्छी लुक देती है। तो बस गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।